नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना जीके तोमर। मित्रों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ। सभी को ये प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोगों को, मैं समझता हूँ विश्व में तकरीबन सभी लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यादा है। और लॉकडाउन के बाद तो, और मैंने गौर किया, लॉकडाउन के अंदर भी बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों को बढ़ गई थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो विषय है जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। प्रत्येक व्यक्ति शिकायत करता है कि मेरे को यहाँ दर्द है, मेरे गर्दन दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे आंखों में दर्द है, सर भारी भारी है, मुझे चक्कर आता है। और जब शुरुआत में ऐसा होता है, जब सेकंड स्टेज में आता है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे यहाँ सीने में दर्द हो रहा है ना, ये समस्याएं बताता है। तो उसका तरीका क्या है, हम ये एक्यूप्रेशर के जिम्मी है, मेरी ये स्टील जिम्मी है, ये मैं लद्दाख से लाया था और ये बहुत अच्छी है, स्टील जिम्मी है। और ये मेरे पास वुडन जिम्मी भी होती है, और ये मेरे पास एक ये गोल्डन का होता है, ये गोल्ड का बना होता है, ये एक मेरे पास ये और जिम्मी है, गोल्डन जिम्मी। तो मैं इन तीन जिम्मी के माध्यम से स्वस्थ कर देता हूँ। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, यहाँ से आपको कोई पेशेंट मेरे पास आएगा, वो ना बताए मैं उसको बता सकता हूँ कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है, और उसको जांच करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, एक्यूप्रेशर। तो मैं यहां से चेक करना चालू करता हूँ, ये इनका सर है, इस बच्चे का मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखिए किसी एक विशेष बिंदु पे जाके ये दर्द हो रहा है, जिसे ये इसको C1 C2 ये यहां दिक्कत है, ठीक है। अब इसके लिए एक्यूप्रेशर का तो एक दूसरा माध्यम है जो हम ठीक करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फौरी तौर पे तुरंत हम ये इस तरीके से इसको प्रेशर देके आराम दे सकते हैं, या किसी क्रीम की या ऑयल की सहायता से यहां हम लगाएंगे और इसको ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। ये तो हुआ एक्यूप्रेशर का। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जैसे एक पॉइंट ये है, अभी दर्द नहीं है आपको, अभी दर्द नहीं है ना, देखिए जादू है ना, बिना दवा के आपका दर्द खत्म हो गया, देखिए, लेकिन ये जादू नहीं है, ये एक चिकित्सा है। ये देखिए कितना भयंकर दर्द था इनको, अभी दर्द नहीं, क्योंकि इनका ये दर्द भी आपको खत्म हो गया। ये बच्चे हमारे पास काफी समय से नहीं आ रही थी, अभी 3 या 4 दिनों से आने शुरू किया है और इसको बहुत भयंकर समस्या थी, अभी दर्द ठीक हो गया। एक माध्यम ये है। दूसरा माध्यम मित्रों, योग। योग से भी हम ठीक कर सकते हैं। योग के लिए मैं आपको सिखाता हूं, आप लोग एक साधारण मुद्रा में बैठ जाइए, अपने ये दोनों अंगूठे यहां लीजिए और यहां टच कीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये हाथ आप इस तरीके से यहां लाएंगे, पास लाएंगे, इसको ऊपर जितना आप फैलाव दे सकते हैं, ये पीछे की तरह, ये हिस्सा बहुत मेरा बहुत अच्छा कर रहे हैं जो दर्शक, ये इस तरीके से यहाँ टच करते हैं इसको, फिर इसको आप 10 बार कम से कम इस तरीके कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, आदत भी होती है। फिर इसको रिवर्स कीजिए, ये आगे करेंगे पीछे करेंगे, तो ये हाथ आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये हाथ, इस तरीके से ये आप यहाँ रखेंगे, ये जो बीच का हिस्सा है ये आपकी नाक की सीध में यहाँ आएगा, इस तरीके से इससे आगे की तरफ धक्का देंगे सर को, और हाथ से पीछे की तरफ धक्का देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो पीछे आपको यहाँ पीछे यहाँ गले के आसपास सुनसान लगेगी, फिर इसको हम पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से, मनी मना आप 30 गिनती गिनेंगे, 30 गिनती गिनेंगे 30 सेकंड तक, फिर ये साइड में लाएंगे, फिर ये साइड करेंगे, इसी तरीके से पुनः 5 कम से कम 5 बार करेंगे, और 5 से अधिक करेंगे तो और अच्छा है। गर्दन पीछे ले जाइए, एकदम पीछे ले जाइए, इसको इस साइड घुमाइए, जब आप ऐसा करेंगे थोड़ा दर्द फील होगा, लेकिन आप देखेंगे आपके एक दिन के दो दिन के अभ्यास से ही आपको, पहले दिन के अभ्यास से ही आपको आराम है। जब आपको इस तरह से कर पाएंगे, आराम कर पाएंगे, तो फिर थोड़ा स्पीड भी कर दूंगा, इसके लिए बैक साइड में
दूसरा जी आप अच्छे तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो जितना सीधे बैठिए, गर्दन को जितना पीछे ले जाएंगे उतना अच्छा है, फिर राउंड लीजिए। मित्रों जिस तरीके से आपने देखा होगा टेबल फैन काम करता है वो कुछ इस तरीके से होता है, बीच में रुकता है, साइड में जाता है, उठता है, जो बीच में आता है उठता है, फिर साइड में आता है। तो आपको इसी तरीके से, और एक चीज ध्यान रखिए गर्दन को कभी भी आगे की तरफ मत झुकाइए, पीछे की तरफ रखना है, ठीक है, आगे नहीं झुकाना। तो देखेंगे आपको आराम मिल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको सलाह दूंगा मित्रों, मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए लेकिन जरूरत पर कीजिए, बहुत अधिक मत कीजिए, बहुत अच्छा नहीं है तो ज़्यादा यूज़ करना। और फिर भी अगर आपको यूज़ करना है तो उसकी दशा कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ये मोबाइल आप इस तरीके से यूज़ कीजिए ना कि इस तरीके से। हम लोग जनरली इस तरीके से यूज़ करते हैं तो ये हमारा सर बहुत भारी है, पैसे पड़ता है और ये सर्वाइकल नर्व जो है ये दिक्कत करती है, परेशानी होती है। आप मोबाइल को इस तरीके से यूज़ कीजिए, ठीक है, समझ आया आप लोगों को, धन्यवाद, ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुख रहिए, आशीर्वाद।